वेलकम टू एसएससी जी दोस्तों, हाजिर आपके सामने फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट फोर के साथ। दोस्तों इससे पहले हमने तीन वीडियो निकाल दिया है, तो आप अगर उसे नहीं देखे तो जाके उसे पहले देख ले। इसमें जो भी आपको बताया जा रहा है सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और ये हमारा टिकटॉक आईडी जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। डैश योर इंस्ट्रक्शन वी हैव क्लोज योर बैंक अकाउंट। आपके कहे अनुसार, आपके निर्देश के अनुसार हमने आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप उसमें कौन सा लीजिएगा। देखिए ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ यहाँ फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, इन लियू ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, तो ये भी नहीं हो सकता, इन लियू ऑफ भी नहीं हो सकता। विथ रिगार्ड टू, रिगार्ड टू मतलब बोलना क्या चाहता है, कंसर्निंग समबडी और समथिंग, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इन अकॉर्डेंस विथ, आपके कहे अनुसार, ठीक है, ये हमने क्लोज किया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश सीज सी क्लेवर सी ऑफन मेक्स मिस्टेक, बोलना चाहता है कि उसको क्लेवर होने, बहुत क्लेवर है, फिर भी वो क्या करती है, बहुत मिस्टेक करती है। देखिए तो इस जगह पे कैसे आपको फिट करना है, यक का मतलब फिर भी होता है, ठीक है, फिर भी वो क्लेवर है, वो अक्सर मिस्टेक करती है, ऐसा फिट नहीं हो रहा है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, के बावजूद सी वो क्लेवर है, नहीं नहीं हो रहा है। सिंस का मतलब जब से, इसका मतलब क्या होता है, जब से, तो जब से वो क्लेवर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऑल्दो यहाँ पे सबसे अच्छा है, मतलब फिट हो रहा है यहाँ पे। ऑल्दो का मतलब क्या होता है दोस्तों, हालांकि वो क्लेवर है बट वो हमेशा मिस्टेक करती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका, डू यू प्रेफर डैश और ट्रेडिशनल फॉर आर्ट्स फॉर्म, वो क्या कहना क्या चाहता है कि या तो आप अभी का पसंद करते हैं या ट्रेडिशनल पुराना जो चलते आ रहा वो फॉर्म आर्ट का पसंद करते हो, तो अभी के लिए क्या सेंस दिया जाता है, कंटेम्प्ररी, दैट मीन्स बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। आर्केक का मतलब क्या होता है, आर्केक का मतलब होता है ओल्ड फैशन, जो कि अभी यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी ही सबसे, क्योंकि ये दोनों में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने इसका मतलब आपको बता दिया। चलिए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। द फार्मर्स डैश देयर फार्म्स इफ दे हैड नो दैट अ थंडर स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग, तो फार्मर अपना फार्म्स को छोड़ के चले जाते, यही कहना चाह रहा है कि अगर उनको पता होता कि इतना बड़ा थंडर स्टॉर्म आने वाला है उसके तरफ। तो देखिए यहाँ पे कंडीशनल का यूज हो रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट रहा, परफेक्ट रहा, तो देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट है ना, हैड लगा हुआ है, तो क्या क्या बनता है नेक्स्ट क्लॉज में, क्या आता है दोस्तों, तो वुड प्लस हैव तो रहता ही है, प्लस भी थ्री रहता है, तो यहाँ पे कौन सा सेट कर रहा है, देखिए वुड हैव लेफ्ट, यही एक आ रहा है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द पैरा ओलंपिक्स इज अ कंपटीशन फॉर, तो पैरा ओलंपिक तो जानते हैं डिसेबल्ड के लिए होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सी मेड हर स्टेप सन हर डैश टू हर लार्ज फॉर्च्यून, तो कहना क्या चाहता है, वो अपना सौतेला बेटा है, उसको सौतेला बेटा है जो, उसको अपना क्या बना दिया, वारिस बना दिया, ठीक है, तो जानते हैं कि क्या इसके लिए आता है, हेयर, वारिस, तो ये हेयर तो होगा नहीं, आप जानते हैं ये भी हेयर होगा नहीं, ये भी, तो सीधा ऑप्शन है, इसको तो आप देख के ही मार सकते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, द स्टुअर्डेस सोड द पैसेंजर, तो स्टुअर्डेस का मतलब क्या होता है, महिला प्रबंधक, फॉर एग्जांपल आपको देखिए आप जब फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस रहती है, ठीक है, तो वो आपको क्या बताती है कि कैसे सीट को बांधे, है ना, तो देखिए कैसे स्टार्ट हुआ ट्रैवलिंग ये सब कुछ नहीं बोलती, लैंड कैसे करेगा कुछ नहीं बोलती है, एल्टीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताती, वो बताती है कैसे आपका सीट बेल्ट को बांधे, खाना से रिलेटेड चीज बताती है कि क्या क्या खाना मिलेगा, कब खाना आएगा, ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो इसका मतलब होता है महिला प्रबंधक, ठीक है, जो कि फ्लाइट या शिप में रहती है। चलिए नेक्स्ट।
मेनी पीपल रिपोर्टेड डैश अ नॉइज इन द नाइट, बहुत लोग को रिपोर्ट किया क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज हो रहा था रात में उसके लिए। तो देखिए इस फॉर्मेट का हमेशा कैसा बनता है दोस्तों, इसका बनता है टू प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है। अब देखिए यहाँ टू कौन सा है, देखिए टू एक लौता ही है यहाँ पे टू, तो हैव रखता है तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एक्यूरेट आ रहा है, टू हैव हर्ड। ओके तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, आई एम एग्जस्टेड लेट्स डैश अ डे, तो आप जानते हैं बोलते हैं कभी आप थक गए बहुत ज्यादा ये हो गया, तो आप उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे, मतलब फिनिश किया जाए, यही मेरा लास्ट था। ठीक है इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग, टू डिसाइड डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट इज कॉल्ड लेट कॉल इट अ डे, तो ऑप्शन ए। ये एक इडियम है जो बहुत बेसिक यूज होता है, इसलिए आपको उसके बारे में पता होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द वर्कर यूज डैश टू पैच अप द होल इन द वॉल, तो वॉल में एक होल हो गया तो उसको पैच अप करने के लिए क्या यूज करते हैं, सीमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डिड दिस थिंग्स कम डैश, तो आप जानते हैं कम अबाउट एक इडियम है प्रेजल वर्ब, ठीक है जहां पे इसका मीनिंग क्या होता है, टू हैपन। तो हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट, कैसे हैपन हुआ, ये कैसे हुआ, तो ऑप्शन ए। अब कम से मैंने बहुत सारा प्रेजल वर्ब डाला है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके प्रेजल वर्ब सीरीज में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द न्यूज वॉज डैश गुड टू बी ट्रू, तो एक आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू लगता है, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है जैसे आप बोलना चाहते हैं ही इज टू वीक टू वॉक, वो बहुत कमजोर है कि वो चल सके, ठीक है बोलते हैं बहुत कमजोर, वो नहीं चल सकता भाई, ही इज टू वीक टू इज टू वीक टू वॉक, तो टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। ओके तो याद रखिए ये फॉर्मेट, तो ये क्या होगा टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक, तो यहां बोलना चाहता है कि कितना दिन के लिए तुम ये बुक रखोगे, है ना, तो यहाँ पे फ्यूचर प्रोग्रेसिव का यूज और फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज होगा। तो भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस कौन है, एक लौता एक ही दिख रहा है आपको, तो कौन सा है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग विल यू बी, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डैश यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, बोलना चाहता है क्या आप तुमने प्रेसिडेंट का स्पीच सुना, तो देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो आप क्या लगेगा, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है। ठीक है तो क्या होगा अगर नॉर्मल फॉर्म में करें, यू हर्ड हर्ड द प्रेसिडेंट स्पीच, देखिए इसको पास्ट में कर दिया, जब इसको आप इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा तो जब सिंपल पास्ट में कोई चीज रहता है तो उसका इंट्रोगेटिव होता है तो डिड आगे लग जाता है, क्लियर है, तो उसके साथ भी बन लगता है इसलिए डी हट गया। अगर आप इसको फिट कीजिएगा, हैव हैज हैड को फिट किया तो कुछ नहीं होगा, जैसे यू हैव हर्ड द प्रेसिडेंट, यू हैव हर्ड नहीं फिट हो रहा। ओके तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, होप आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, आई डैश टू द मूवी विथ सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट आपको याद रखना है, लास्ट नाइट हो यस्टरडे हो, ये सब केस में हमेशा क्या लगता है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्या, वेंट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, सी हैज ओनली डैश फ्रेंड्स, तो बोलना चाहता है बहुत ही कम फ्रेंड्स है उसका, देखिए लेस और मोर तो हो नहीं सकता। ओके लेस तो अनकाउंटेबल के यहाँ पे काउंटेबल पर्सन है भाई। ओके मोर यहाँ कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव का जरूरत नहीं, फ्यूअर यहाँ कंपैरेटिव हो गया जरूरत नहीं, ऑफ यू देखिए काउंटेबल भी है, ठीक है तो यहाँ पे ऑफ यू लगेगा, सी हैज ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द
पुअर, देखिए आई वुड, तो नेक्स्ट क्लॉज में वुड है, तो याद कीजिए जिसमें वुड रहता है मतलब यहां पे क्या रहेगा, तो नॉर्मल सा पास्ट में रहेगा, तो यहां पे कौन होगा भाई, इफ आई वेयर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ही इज वीक डैश ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, बोलता है वो बहुत ही वीक होने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद बहुत काम करता है, तो यहां फिर भी कह रहा है ना कि वो वीक है फिर भी बहुत काम करता है, तो येट का मतलब को बताया था फिर भी, तो यहां पे क्या होगा, ही इज वीक येट ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, महेश सोड एंड डैश फॉर स्पोर्ट्स एट वेरी अर्ली स्टेज, मतलब वो बहुत ही कम जो उम्र का था उसी समय से उसके प्रति इसके अंदर एक भावना आ गया था कि हमको कुछ करना है स्पोर्ट्स में, हमको सीखना है, हमको कुछ करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब देखिए एटीट्यूड तो हो नहीं सकता, इमेजिनेशन हो नहीं सकता, इंट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, एक ही बचा एप्टीट्यूड। अब भैया एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, अनैचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, या बोल सकते हैं आपकी टू लर्न समथिंग, ठीक है, तो एप्टीट्यूड ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर डैश सेक डोंट टेल इट टू अदर्स, तो क्या बोलना चाहता है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या चीज है, एक इडियम है, क्या है, फॉर हेवेंस, एपोस्ट्रॉफी एस दीजिएगा, हेवेंस सेक, तो अगर आपको नहीं पता तो आप हो सकता है कुछ भी गलती मार सकते हैं, इफ अगर आपको नहीं पता है, तो अब आपको पता चल गया तो आप जो सही मारिएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, यहां पे बोलना चाहता है दोस्तों कि नेपोलियन आर्मी डैश टू द रशियन सोल्जर्स विदाउट एनी फाइट, तो मतलब विदाउट एनी फाइट रशियन सोल्जर के सामने वो क्या कर रहा है, तो एक सेंस दे रहा है कि सरेंडर करने का ही कुछ बात हो रहा है, तो कैपिटुलेटेड का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना किसी, ठीक है, तो यहाँ का अब देखिए, अब जिसको अगर मीनिंग नहीं पता हो तो क्या कंफ्यूजन आपके अंदर आ जाएगा, डेसिमेट करना का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना किसी को, यहाँ तबाह आएगा, नेपोलियंस आर्मी डेसिमेट टू द रशियन सोल्जर्स विदाउट एनी फाइट, बिना उसको फाइट को तबाह कर दिया, ऐसा कुछ सेंस ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इवेट का मतलब होता है स्केप कर जाना, तो याद रखिएगा ये इडियम्स, देखिए ये आपका सिनोनिम्स में पूछ चुका है ये दोनों वर्ड, और ये भी पूछ चुका है, तो लास्ट ऑप्शन आपका जो है कॉर्डन्ड, जो आपका है लास्ट ऑप्शन कॉर्डन्ड, इसका मतलब क्या था, घेराबंदी करना, बात समझ में आ रहा है, घेराबंदी करना, कॉर्डन ये आ चुका है, ठीक है, ये भी आ चुका था, ये तीनों आ चुका है एज अ क्वेश्चन आ चुका है आपका सिनोनिम्स में, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, द वर्कर वॉज डैश बाय द रेन्स, ऑब्वियस बात है, दो चीज होता है, रिस्ट्रिक्टेड तो हो नहीं सकता, प्रिवेंटेड हो नहीं सकता, आप फील करके देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कोई चीज को रोकना, तो रिस्ट्रिक्ट करना, इस जगह नहीं जाना, इस जगह जाना, जैसे माँ बाप बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रिवेंट मतलब बचना, यहाँ तो प्रिवेंटेड कुछ यहाँ सेंस ही नहीं आ रहा है, यहाँ बोलना चाहते हैं कुछ गड़बड़ हुआ, काम रुक गया, वर्क क्या हो गया, रुक गया, तो देखिए रुकने के सेंस में आप दो ही चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, हैम्पर्ड और ऑब्स्ट्रक्ट। देखिए अगर कोई फिजिकली आपको कोई रोक दे रहा है, कहीं जैसे आप किसी के घर में घुसने जा रहे हैं, ठीक है, या रोड पे आप चल रहे हैं वहां पे कुछ लगा दिया गया, तो ऑब्स्ट्रक्ट यूज किया जाता है, ठीक है, बट इस सेंस में बोलना चाहते हैं कि काम रुक गया है पानी के चलते, इस केस में हैम्पर्ड आपका सबसे एक्यूरेट होगा, क्लियर है बात, तो हैम्पर्ड मतलब क्या था, हिंडर्ड, देखिए हिंडर्ड आ चुका है, पहले बता रहा हूँ, हिंडर्ड जो है ये आ चुका है एग्जाम एज अ सिनोनिम आ चुका है, सर आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या था, रुकना, तो इसका सिनोनिम में आप देखिए तो ऑब्स्ट्रक्ट दिया हुआ है, बट इस जगह पे हैम्पर्ड आपका एक्यूरेट होगा, कोई फिजिकल आपको यहाँ पे कोई अपीयरेंस है नहीं कि आप घुस रहे हैं कहीं, रोक दे रहा है या रोड पे जा रहे हैं, कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कुछ लगा दे रहा है, ठीक है, घेराबंदी कर दे रहा है कि आपको रुकना है इस जगह पे, तो इसलिए आपको हैम्पर्ड सबसे एक्यूरेट है, तो सी होगा, तो यही दो में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन, तो बोलना चाहता है ये फ्रेंच और जर्मन तो जानता ही है रशियन के अलावा, है ना, द फ्रेंच भी जानता है, जर्मन भी जानता है, रशियन भी जानता है, यही सेंस देना चाहता है, तो ये बिसाइड तो होगा ना, बिसाइड्स, इसके अलावा, जैसे हम बोलते हैं मेरे पास बिसाइड्स नोकिया सैमसंग मेरे पास आईफोन भी है, बिसाइड मतलब इसके अलावा मेरे पास ये भी है,
तो ये इसके अलावा ये भी जानता है, दैट इज क्लियर। तो बिसाइड्स, तो इससे रिलेटेड बहुत एरर आता है जिसमें क्या करता है, एस हटा देता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका होगा एक्यूरेट, चलिए सही होगा। हिज रेपुटेशन हैज बीन डैश बाय हिज फूलिश एक्ट, तो अब उसका फूलिश एक्ट के चलते उसका रेपुटेशन क्या गिर गया, ये सेंस देना चाहता है, डैमेज हो गया, स्पॉइल हो गया, दैट इज टेंटेड। इसका मतलब क्या होता है, डैमेज होना, किसी का इमेज हो या ठीक है या स्पॉइल हो जाना इमेज के सेंस में, तो टेंटेड का यूज करते हैं, टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी, इंक्रीज डिक्रीज ये तो अलग चीज हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हमारा लास्ट 25 क्वेश्चन टोटल था, ठीक है। इसका फिर और वीडियो निकलेगा, हर वीडियो में हम 25 25 कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको आपको कुछ समझाना पड़ रहा है, इसी के चलते थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर डायरेक्ट होगा लास्ट समय में क्या करूंगा, मैं एक साथ 100 100 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऑप्शन के साथ बताते चल जाऊंगा, ठीक है, जो आपको एग्जाम में हेल्प होगा। तो अभी टाइम है आपका सीजीएल का एग्जाम के लिए, तो आप टेंशन नहीं, तब तक मैं पूरा अच्छा से समझा के आपका क्लियर कर देंगे। तो मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स, जानते हैं मेडिटेशन इज द बेस्ट वे, तो बहुत लोग गलती से वन ऑफ द बेस्ट वे नहीं मारेगा, ठीक है, अ बेस्ट नहीं मारना, द बेस्ट, मतलब यहाँ पे इस बात पे जोर दे रहा है कि ये बेस्ट वे है, ठीक है, ये एकदम मेडिटेशन एकदम बेस्ट वे है टू काम योर नर्व्स, इसलिए द बेस्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। जनरल बात होता तो अ बेस्ट कर दी, लेकिन जब कोई चीज पे फोर्स दे रहे कि ये इस चीज के लिए सबसे अच्छा उपाय है, इन दैट केस तो इस बात पे जोर दिया जा रहा है, तो द का यूज किया जाता है, ठीक है, तो द बेस्ट, ऑप्शन सी। चलिए तो होप हमारा 25 क्लियर हो गया, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और हमारा स्टैटिक जीके में बहुत सारा वीडियो डाला जा रहा है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा, पूरा हम आपको अप्रोक्स 38 स्टैटिक जीके इसमें कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल उसके बाद और भी जितना स्टैटिक जीके करते जाएंगे, 38 टॉपिक होगा, याद रखिएगा, इसीलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।